सो हेलो एवरी वन एंड वेलकम बैक तो स्नीक पीक नंबर टू जून अपडेट का आ चुका है और ये वाला स्नीक पीक काफी औसम awesome रहा क्योंकि मोस्ट अवेटेड और मोस्ट पावरफुल सुपर ट्रूप हमें फाइनली देखने को मिल रहा है जो है सुपर हॉग राइडर अब अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते थे तो आपको पता ही होगा का, मैंने काफ़ी टाइम जिक्र किया था कि सुपर हॉग राइटर बहुत जल्द आना चाहिए वो वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट एंड ओपी सुपर ट्रूप्स हो सकता है और क्लैश ऑफ क्लैंस काफ़ी स्ट्रगल कर लिए ये फिगर आउट करने में कि कैसे उसे सेटअप किया जाए क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ सुपर ट्रूप्स जो आते हैं नए सुपर ट्रूप्स वो काफ़ी गेम को एक तरीके से ब्रोक कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हीं को लेकर अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वो एक डायलिम था बहुत बड़ा क्लैश ऑफ क्लैंड के लिए कि कैसे सुपर हॉग राइडर को सेटअप किया जाए एंड uh, मेरे को जितना याद है मैंने अपने, अपने एक पुराने वीडियो में बोला था अगर आपको वो वीडियो मिलता है तो मुझे ज़रूर शेयर करना या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जहाँ पे मैंने बोला था कि सुपर हॉग राइडर कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हॉग है जैसे मतलब नॉर्मल हमारा कोई भी ट्रूप होता है ना जैसे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बाद जो उसका हॉग है वो एक सुपर एबिलिटी के साथ जो है वो अटैक करेगा बिल्डिंग्स को अब यहाँ पे जो चीज़ देखने को मिल रही है वो थोड़ी अलग है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे सुपर हॉग राइडर का डेथ होता है या फिर वो स्प्रिंग में उड़ जाता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है और एक राइडर अलग और हॉग अलग हो जा रहा है जिनकी पावर थोड़ी कम है और दिखने में काफ़ी कूल cool लग रहा है एनिमेशन और काफ़ी सारे नए स्ट्रेटजीज बनेंगे उसके ऊपर जैसे ही आएगा मैं भी कोशिश करूँगा कुछ वीडियोस आपसे शेयर करूँ नए सुपर हॉक राइडर्स को ट्राई करने में अब अच्छी बात यह है एंड मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि टाउन हॉल थर्टी में आपको मिल जा रहा है आपके अगर हॉग राइडर्स के लेवल टेन है तो आपको मिल जाएगा सुपर हॉग राइडर्स और आप इंजॉय कर सकते हो टाउन हॉल थर्टीन वाले प्लेयर्स भी इंजॉय कर सकते हो टाउन हॉल ट्वेल्व से अगर होता तो आई थिंक और ज़्यादा मजा आता बट फिर भी ठीक है चलो फेयर इनफ एटलीस्ट टाउन हॉल थर्टीन में तो मिल रहा है ऐसा नहीं है कि फोर्टीन 15 के लिए ही है सिर्फ ये कुछ सुपर हॉग राइडर के हिट पॉइंट डैमेज पर सेकंड वगैरह है और हाउसिंग स्पेस मुझे लगी कि बहुत अच्छा है बारह में एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम अट्ठारह के आसपास होगा तो उसी नजरिए से मेरे को अच्छा लग रहा है एंड जो स्प्लिट होने के बाद हॉग और राइडर अलग हो जाते हैं उसके भी डैमेज और हिट हेडपॉइंट काफी ठीक ठाक है मतलब आप बल्क में यूज कर सकते हो मेरे को लगता है क्वीन चार्ज के साथ काफी अच्छा जाएगा आ, या फिर और भी कोई ब्ल्प वगैरह के साथ भी ये ट्राई कर सकते हैं देखेंगे जैसे आएगा हम बहुत सारी चीजें ट्राई करने की कोशिश करेंगे इस चीज़ के साथ आ, मतलब बहुत दिनों बाद सच बता रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस में कोई ऐसा एक चीज़ आई है जिसको लेके मैं थोड़ा सा मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ मतलब मजा आ रहा है सच बता रहा हूँ इससे पहले देखो टाउनऑल फिफ्टीन आया टाउनऑल फिफ्टीन से जस्ट पहले मैंने तो आ, मतलब वीडियोस बनाना थोड़ा बंद कर दिया था आ, तो वो वाला एक दौर था जब मतलब रिपीटेटिव हो जा रही थी चीज़ें हर एक डेढ़ साल बाद आपको नए टाउन हॉल्स वगैरह मिल रहे थे और नए नया ट्रूप वगैरह वगैरह नए बिल्डिंग लेवल्स बट सुपर हॉक राइडर आने के बाद मुझे मैं एटलीस्ट मैं मतलब गारंटी तो नहीं कह सकता बट एटलीस्ट मैं कम से कम दो हफ्ते से एक महीना के आसपास मैं रेगुलर यूज़ करने वाला हूँ सुपर हॉग राइडर्स को मेरे को इतना पसंद है मैंने हमेशा से सोचा आपको पता भी होगा जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं कि हॉग राइडर मेरा फेवरेट रूप था तो सुपर हॉग राइडर तो और मजा आएगा तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं स्नीक पीक्स जो आने वाले स्नीक पीक्स हैं जैसे नया ट्रूप जो उन्होंने बैरक डार्क बैरक को जो आ, टीज किया है अभी तक नया डार्क बैरक में क्या ट्रूप आने वाला है वो अभी हमें नहीं पता आई थिंक नेक्स्ट स्नीक पीक जो कि मतलब आज शाम को जब ये वीडियो जाएगी शाम को जो वाली स्नीक पीक है उसमें हमें शायद पता चल जाए कि नया डार्क ट्रूप क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बट मेरा तो भाई बहुत सही लगा मुझे ये वाला सुपर हॉग राइटर मेरे को कमाल का लगा और काफ़ी उसी के साथ नए डायनामिक्स खुलेंगे बहुत सारे फ्रेश ट्रेडिंग चीज़ और मुझे लगता है ई स्पोर्ट्स में भी काफी लोग इसे यूज करने वाले हैं क्योंकि हॉक से यूज करते ही हैं तो उसी के साथ सुपर हॉग राइडर्स और अच्छी चीज़ ये भी है कि स्प्रिंग ट्रैप में जो हॉग है वो बच जा रहा है राइडर उड़ जा रहा है काफी सारे मतलब मजेदार चीज़ें उन्होंने यहाँ पर डालने की कोशिश करी है तो गाइज मुझे तो काफी पसंद आया मेरी पर्सनल ओपिनियन में आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड ऐसे और वीडियोस के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर ले कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी प्लान कर रहा हूँ मैं उसके भी नजर रखना एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड एज ऑलवेज गाइज हिंद Bye.